ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है यार, आप वीडियो के टाइटल हमने देख के समझ गए होंगे। एंड गाइस यार, आप सभी को मैं सच में बताऊं तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार। मैंने आप सभी के लिए एक PNG को बहुत मुश्किल से ढूंढा था। प्लीज़ यार, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लेना, बस आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि इस बैकग्राउंड का आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। एंड इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहां से क्या करना है, आप सभी को पहले अपने मॉडल को यहां पे ऐड कर लेना है। मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने मॉडल को यहां पे लगा लेना है, ठीक है। मॉडल को यहां पे लगा लेना है एंड इसके बाद जो है अभी आप सभी को डन नहीं करना है। आप सभी को अभी यहां से सिंपली यहां से क्या कर देना है, पहले इसको यहां पे अच्छे से लगा लेना है एंड उसके बाद आप सभी को यहां से जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहां से ले लेना अपने इसका विंग्स का PNG, ठीक है, जो आपको मॉडल के पीछे लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप सभी को एक विंग्स का PNG इस तरीके से आपको लगा लेना है। एंड इसको लगा लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे सिंपली इसमें कलर्स में एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को उसकी ब्राइटनेस को माइनस में कर देना है, ठीक है। माइनस में बिल्कुल नहीं करना है आपको, अराउंड 50 एंड 60 लास्ट, ठीक है, इतना तक रखना है, ठीक है। इतना रख देने के बाद आप सभी को यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से डुप्लीकेट, पहले इसको डुप्लीकेट कर लेना है एक, ठीक है, एक डुप्लीकेट करके एंड इसको फिर यहाँ पे रोटेट कर देना है एंड इस साइड को, एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को इसको करना, आपको अपने मॉडल के पीछे कैसे ले जाना है, आप सभी को सबसे ऊपर आप सभी को जो मूव डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है एंड सिंपली मॉडल के पीछे चले जाएगा। एंड सेम स्टेप आप सभी को इस दूसरे वाले PNG में करना है, इसको मूव डाउन कर देना है, ये मॉडल के पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को कुछ ऐसे लगा देना है एंड उसके बाद आप सभी को मॉडल को जो अपने हिसाब से आप सभी को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। मॉडल को एडजस्ट कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से विंग्स के PNG है जो, इनको थोड़ा बड़ा करके लगा लेना है ताकि जो मतलब मॉडल है, जो मॉडल आप सभी के सामने थोड़ा विंग्स के सामने थोड़ा छोटा लगे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे अब जाना है ऐसे ऐड फोटो में एंड लेना आपको शेडो का PNG, ठीक है, जो कि मैंने आप सभी को दे रखा है। आप सभी को PNG ले लेना है एंड इसमें आप सभी को ना शेडो बनाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो और ये शेडो जो है काफ़ी अच्छा मैच हो जाता है हर मॉडल के ऊपर, तो आप सभी को ये शेडो का PNG संभाल के रखना चाहिए अपने पास, ठीक है। बाकी जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने तो दे ही रखा था, आप डाउनलोड कर ही लेना। तो आप सभी को इस टाइप से लगा देने के बाद अब कर देना आप सभी को डन, ठीक है। उसके बाद जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को ये बर्ड्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स, तो इनके आपको PNG ये भी मिल जाएगा, तो आप सभी को बनाने की जरूरत है नहीं, ये भी मिल जाएगा। फुल स्क्रीन कर दोगे तो आपके इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे लगा देना एंड कर देना डन। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये वाला PNG दे रखा है मैंने, तो आपको ये PNG ले लेना है। तो गाइस, इस PNG को आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये इसलिए लगाना है कि जो है हमने यहाँ पे लगा रखा है एंड इसमें हम चेन का जो PNG है हम इसको अपने विंग्स में जोड़ेंगे, तो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको रोटेट करके हम इस साइड को कर देते हैं एंड हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप सभी को भी लगा देना है एंड यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को सिंपली कर देना है डन, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में एंड आप सभी को जो बड़े वाला चेन का PNG ये वाला, आप सभी को इसको ले लेना है एंड आप सभी को कुछ मतलब पहले इसको आप सभी को जाना है FX वाले को सामने, ठीक है। तो यहाँ से तो जो गाइस मैंने ह्यू को चेंज किया तो यहाँ पे एडजस्ट से हो नहीं रहा है, तो आपको यहाँ से भी डन कर देना है एंड यहाँ से आप सभी को जाना है FX वाले ऑप्शन में, ठीक है। FX वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप सभी को एक कलराइज का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को इसमें जाना है एंड इसके ह्यू को माइनस कर देना है, रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ पे इसको यहाँ पे आप सभी को तीन टाइम्स लगाना है, ठीक है, तीन टाइम्स यहाँ पे लगाना है और वहाँ पे टू टाइम्स वहाँ पे लगाना है। तो आप सभी को यहाँ पे मैं बता दूँ कैसे लगाना है, आप सभी को कुछ इस टाइप से डुप्लीकेट कर करके एक एक PNG को, ठीक है, डुप्लीकेट कर करके आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है। देखिए जैसे आप सभी को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ तो आप सभी को सेम वैसे ही करना है, ठीक है। इससे क्या होता नहीं कि यार आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और डुप्लीकेट करने से ये है कि आपको बार बार गैलरी में जाकर लाना नहीं पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेट कर करके आपको ये जो सिस्टम है पिक्सआर्ट में बहुत अच्छी है, आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने चेन का PNG लगा दिया तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर कर देंगे डन, ठीक है। तो अब एक गाइस हमें लगाना है स्कार्फ का PNG, ठीक है। तो जो स्कार्फ का PNG मैंने आप सभी को दे रखा है तो इसको आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपने मॉडल के ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये मतलब कि आपका कैसा भी मॉडल होगा ना तो उसमें ये सिंपली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने ये PNG इस तरीके से बनाया कि आपको जो भी मॉडल होगा आपका उसके में सिंपली ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे लगा देना एंड कर देना डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल में, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी को थोड़ी सी शेडोज बनानी है अपने इसके जो इसका आपका PNG लगा है, तो इसमें आपको सभी को ओपेसिटी कुछ अराउंड 10 तक रखनी है एंड इसकी साइज है कुछ 50 कुछ तक रख देना है एंड इसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है, ठीक है, पूरे में ड्रॉ कर देना है।
सो गाइस इतना कर देने के बाद अब आप सभी को करना है कि आप सभी को यहाँ पे एक इम्पिटी लेयर बना लेनी है। इम्पिटी लेयर बनाने के बाद आप सभी को एक एंजल का पीएनजी बनाना है, ठीक है। एंजल सर्कल जो होता है ना, एंजल के ऊपर होता है वो वाला बनाना। तो आप सभी को शेप पे क्लिक करके आप सभी को इसका जो साइज है 3 तक रख देना है। एंड यहाँ से कलर्स में जाकर आप सभी को व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आप सभी को सिंपली कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। आप सभी को ऐसे क्रिएट कर दोगे तो कुछ इस टाइप से आप सभी के सर के ऊपर आ जाएगा ये। एंड उसके बाद आप सभी को इस पर ग्लोइंग इफेक्ट देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ बनाएंगे एक इम्पिटी लेयर। एंड उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कलर्स में, ठीक है। तो यहाँ सब पहले लेयर को देख लेते हैं। हाँ, लेयर बन चुकी है हमारी। तो यहाँ सब चलते हैं कलर्स में। एंड यहाँ से ऑरेंज कलर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को ब्रश पे क्लिक कर देना है। एंड जो ब्रश पे क्लिक कर दोगे तो उसके साइज़ को फुल कर देना है। ओपेसिटी को कुछ अराउंड 30-40 तक कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है, कुछ ऐसे। एंड रुक रुक के नहीं करना है, एक बार में करना, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड कर देना है लाइटन, ठीक है, लाइटन कर देना है। एंड उसके बाद कर देना है यहाँ से बैक चल देना है, ठीक है। एंड यहाँ से आप सभी को सिंपली करना क्या है, यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। तो हमारा जो टोटल काम था वो भी हो चुका है। तो अब आगे का क्या काम है मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आप सभी को जाना है अब यहाँ से एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस मैंने आप सभी को एक फायर का पीएनजी दे रखा है। तो आप सभी को उस पीएनजी को लेना है। एंड यहाँ से आप सभी को ब्लेंडिंग मोड पहले स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट में जाएंगे एंड सैचुरेशन में जाकर थोड़ा सा जो मतलब इसका जो मतलब ह्यू है इसको प्लस में कर देंगे। एंड जो कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से आप सभी को इसके स्कार्प के पीएनजी के पास यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एंड इसकी ओपेसिटी आप सबको ज़्यादा कम नहीं करनी है। तो पहले जो इसमें वेस्ट पार्ट आ रहा है इसको मैं पहले यहाँ पे इरेज कर लूँगा। सिंपली इरेजर टूल पे क्लिक करके तो इरेजर में जाऊँगा। एंड उसका ब्रश पे इरेजर पे क्लिक करके एंड हार्डनेस को थोड़ा कम करके एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे इरेज कर दूँगा, ठीक है। तो आप सभी को भी ऐसे इरेज कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इरेज हो गया मैं इसका फील कर देता हूँ पूरा। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से जो मतलब कि इसका पीएनजी वगैरह था इतना काम तो हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। तो एक बार ओपेसिटी पे इस पे पीएनजी पे क्लिक करते हैं, हल्का सा ओपेसिटी कम करते हैं, अराउंड 90 तक रखेंगे इसकी ओपेसिटी। एंड कर देंगे यहाँ पे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अभी यहाँ से चले जाना है एड फोटो में वापस से। एंड यहाँ से आप सभी को ये ना ये जो ये ब्लैक ब्लैक ब्राइटनेस है इसका आप सभी को उसका पीएनजी लेना है। एंड इसको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एंड इसको ऊपर की तरफ करके कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड यहाँ पे क्या होगा ना गाइस, इससे ज़्यादा आप सभी को डार्क करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम कर देते हैं डन, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी से तो हम फुली रखनी है। एंड यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे एंड यहाँ पर एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाएंगे तो हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे, ठीक है, ब्राइटनेस को कम कर देंगे। एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा साइज को बढ़ा के हार्डनेस को कम करके ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। एंड यहाँ से हम सिंपली कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक पेंट कर देंगे, जो मतलब कि हमारी ये है ना क्या कहते हैं विंग्स, तो इनके पीछे हम इसको इस टाइप से ब्लैक ब्लैक पेंट कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से जाना, आप सभी को क्या करते हैं इसमें इरेजर पर क्लिक करते हैं। एंड जो हमारा जो ये है ना फायर, ये थोड़ा इरेज हो गया, इस पर ब्लैक डार्क हो गया, तो हम इसे वापस से इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। एंड ब्रश पे क्लिक करके थोड़ा जहाँ जहाँ पे हो गया इसको हम यहाँ पर डन करते हैं, ठीक है। तो उसके जो अमाउंट है आप सभी को ज़्यादा माइनस में नहीं रखना है, अराउंड कुछ 68 तक रख देना है। एंड कर देना डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद अब आप सभी को फोटो कर लेना है यहाँ पे सेव, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल मतलब फोटो सेव कर लेना है। एंड यहाँ से चल जाना है बैक। एंड इसमें करेंगे हम थोड़ी सी कलर करेक्शन, जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो उसके लिए अब हमें लाइटरूम ऐप को ओपन करना है। एंड जो यार जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है और अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यार आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड यार मैं आप सभी के लिए रात को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो यार आप समझ सकते हो यार मेरे को आपकी एक लाइक से कितना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना। एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली ऐड हो चुकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लाइट में जाएंगे एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। हाईलाइट है जो इसको हम थोड़ा माइनस कर देंगे। शेडो को जो है हमें इसमें थोड़ा बढ़ा देना है शेडो को। एंड जो वाइट है इसको भी बढ़ा देना है एंड ब्लैक है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है, ब्लैक को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को इसमें कलर्स में। एंड इसका वाइब्रेशन है जिसको बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर है इसको माइनस कर देना है, ठीक है, टेम्परेचर माइनस कर देना है। मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर में जाना है, ऑरेंज कलर को सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसका जाना येलो कलर में, इसके ह्यू को माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन को प्लस में कर देना है। एंड उसके बाद जाना ब्लू कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है। एंड जाना पर्पल कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड जाना पिंक कलर में, इसके सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है। एंड ऐसे कर देना डन। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको इंक्रीज कर देनी है। एंड फोटो में विग्नेट डालना है यार, ठीक है, फोटो विग्नेट जो डालना काफ़ी अच्छा लगेगा इससे फोटो, तो विग्नेट डाल देना आप भी। एंड उसके बाद आप सभी को जो ग्रेन अमाउंट है इसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस आप सभी को उसको इंक्रीज कर देनी है। नॉइज रिडक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद जो है गाइस हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है यार, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ यार एक कमेंट करके यार मेरा मोटिवेशन बढ़ाना है। एंड यार आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी अपडेट आपसे सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।